चलिए शुरू हो चुका है ये मुकाबला पारा रेड नगोई की ओर से। शुरुआती क्षण तीसरे क्वार्टर फाइनल का एंटी रेड हुआ पहला रेड। तमाम दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक अभिवादन। चाय की चुस्कियों के साथ आप मैच का आनंद लीजिए। एक से बढ़कर एक मुकाबले अभी भी देखने को मिलेंगे आपको। एंटी रेड हुआ पिछला रेड, दोनों ही ओर से एक एक एंटी रेड हो चुका है। दोनों ही टीमों ने वर्ष 22-23 में अच्छा खेल दिखाया है, विभिन्न जगहों में पुरस्कार जीता हुआ है और उसी सिलसिले को जारी रखने के इरादे से विनोदा के मैदान पर खेलने के लिए आए हुए हैं। एक ही टीम आगे बढ़ेगी, एक टीम को यहां से बाहर होना होगा। हरदी जरिया है और ये डुआ डाई है नगोई के रेडर के लिए। नंबर 4 डुआ डाई रेड, अंक बनाना आवश्यक प्रयास किया गया है, सफलता मिली और इस तरह से बराबरी दोनों टीमों का स्कोर 1-1 अंक पर। हर मुकाबले टाइट होंगे और ऐसा हो भी क्यों ना। अभी तक बहुत ही बेहतरीन शानदार स्कैप, बेहतरीन स्कैप 4 पॉइंट, 4 अंक एक साथ लेकर हरदी झरिया ने सुपर डुपर रेड करते हुए अपनी टीम के स्कोर को 5 पर पहुंचा दिया, जबकि नगोई एकमात्र अंक पर अटका हुआ। बढ़िया रेड और यहां पर टेकआउट कामयाब नहीं हो पाया। इधर से भी गिनती शुरू होगी, सुपर रेड का इशारा। बढ़िया खेल दोनों ही टीमों की ओर से, 5-4 की बढ़त अभी भी बरकरार है हरदी झरिया के लिए। लेफ्ट कॉर्नर पर आक्रमण हरदी झरिया के रेडर के द्वारा, वापस बोनस लेते हुए 6 पर पहुंचाया स्कोर को। बढ़िया मुकाबला, कड़ा मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला। पूरा समय लेते हुए रेडर इस मैच के पश्चात लोहार पाली और बिनोदा ए के बीच मुकाबला होगा और ये मौका को आउट होने से पहले बोनस ले लिया था, फलस्वरूप दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला। हरदी झरिया का स्कोर 7 पर पहुंचा जबकि नंगोई का स्कोर 5 पर पहुंचा। 2 अंकों की बढ़त बरकरार है हरदी झरिया के पास। और यहां पर टेकल ही नहीं बल्कि सुपर टेकल, और इस सुपर टेकल की बदौलत 2 अंक 9 पर पहुंचा स्कोर 9-5।
टाइम आउट लेते हुए हरदीप झरिया 9-5 की स्कोर पर। पांच नावों के स्कोर पर लंगोई का रेडर रेड करता हुआ एंटी रेड हुआ। अभी भी 4 अंकों की बढ़त बना के रखी है हरदी झरिया की टीम, लेकिन यहां पर नंगोई के खिलाड़ी प्रयासरत हैं और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अंक हासिल किया, बोनस की मांग को खारिज। और यहां पर एक अवसर सुपर टिकल का, सुंदर अवसर। और यदि ये सुपर टिकल कामयाब होती है हरदी झरिया के लिए तो निश्चित रूप से बढ़त अच्छी खासी हो जाएगी। नौ छह के स्कोर पर हरदी झरिया का रेडर और इसी के साथ ये मध्यांतर। सेकेंड हाफ का ये पहला रेड। अब हरदी झरिया की टीम हमारे दाई ओर, नंगोई की टीम बाई ओर, 3 अंकों की बढ़त है हरदी झरिया के पास। 6 के मुकाबले 9 अंकों से आगे है हरदी झरिया। सुपर टेकल का अवसर है यहाँ पर हरदी झरिया के पास और प्रयास। दो अंक जरूर लिया है यहाँ पर नगोई ने और इस तरह से क्लोज हो गया है मुकाबला 8-9। सरपंच महोदय का पुनः आगमन हमारे मंच पर, हार्दिक अभिनंदन उनका। साथ में श्रीमती दीप कुमारी पटेल जी का भी हार्दिक अभिनंदन। हरदी झरिया 10 पर, नंगोई 11 पर, नंगोई बढ़त बनाने में कामयाब हो चुकी है। तीसरा क्वार्टर फाइनल चल रहा है, 1 अंक की बढ़त नंगोई के पास है 10 के मुकाबले 11। बढ़िया खेल जारी है और इन रोमांचक क्षणों का आनंद लेने के लिए आप सब लोग बने हुए हैं। निश्चित रूप से आनंद के क्षण हैं, कड़े मुकाबले जारी हैं, लगातार हर मैच इस प्रकार के संघर्ष से गुजर रहा है और इस प्रकार के संघर्षपूर्ण मुकाबले आनंददायी होते हैं। अंतिम 5 मिनट की सूचना दोनों ही दल के खिलाड़ियों को दी जा चुकी है। एक बार मैं पुनः आप सबको लिए चलता हूं सिद्धार्थ जी के पास आगे का हाल बताने के लिए। धन्यवाद सर। और केवल 5 मिनट का खेल शेष, जबकि मुकाबला तेज होता हुआ केवल 1 अंक की बढ़त बनाई हुई यहां पर नगोई की टीम ने, केवल 1 अंक। यहां से कड़ा मुकाबला जारी है बिल्कुल, किसी भी और
मैच जा सकता है, कोई भी टीम जीत सकती है। यहाँ से दोनों टीम जीतना चाहेंगे लेकिन केवल एक टीम जीतेगी, केवल एक अंक की बढ़त पर। यहाँ पर बढ़त को पुख्ता करने की कोशिश, यहाँ पर हरदी एरिया की टीम बराबर की कोशिश, यहाँ पर हिटों की आवाज, मतलब डू आउट आई। अंतिम चार मिनट का खेल शेष, यहाँ पर डू आउट आई। यहाँ से अंक लेना अनिवार्य के लिए और यहाँ पर दो अंक और मिला नगोई को, बस इस बार दो हटाई। और देखते हैं यहाँ पर, और इस बार टेस्ट करने में कामयाब, 14-10। अब अंकों की बड़ा चुकता होती हुई यहाँ पर हरदीप हरिया की, यानी कहा खिलाड़ी सम्मुख नगोई के, डाई भी नहीं, नहीं बोनस नहीं, चार कंप्यूटर जो की बड़ा चार अंकों की। और समय धीरे धीरे घटता हुआ अंतिम 3 मिनट पर जाता हुआ मुकाबला, बस 14 लगाई पिछड़ती हुई। लेकिन यहां पर सुपर रेड हरदीप हरिया के 13-14 मुकाबले आते रहते हुए 13-14। रेडर सर नकवी का 8 नंबर का रेडर टीम की टीम एक अंक से पिछड़ रही है और एक अंक बहुत ही निर्णायक साबित हो सकते हैं, लेकिन समय है वापसी करने का, लौटने का, और 2 मिनट का खेल शेष, जबकि एक अंकों से बढ़त बनाई हमारे दाई ओर, केवल एक अंक 13-14। यहाँ एक मौका था और रेडर से आउट हो चुके, और इस मैच के तुरंत पश्चात अगला मुकाबला चार अंक यहाँ पर सुपर 19-13 और यहाँ पर जीत पुख्ता होते हुए लगाई को लगाई की, और इस मैच के तुरंत पश्चात तैयार रहेंगे बिल्कुल विनोदा ए वर्सेस लोहार पाली चौथे क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलने के लिए। यहाँ से 6 अंकों की बढ़त बना चुकी है नगर की टीम, बोनस लिया 1 अंक और 14-19 नगर के पक्ष में, लेकिन मौका यहाँ पर सुमंत करने का। समय अंतिम क्षणों में 19-14 5 अंकों का स्पर्श बढ़त यहाँ पर नगर की टीम बना चुकी है, सेमीफाइनल की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा चुकी है। यहाँ पर नगोई की टीम और अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे, और एक अंक यहाँ पर मिला, इसके साथ ही